एक थोक का बैठ दूँ। We all know that today is a results announced day, and the day is like the Eid and Diwali. ये दिन आज का दिन ऐसा होता है for the students and for the guardians कि जैसे Eid और Diwali. तो सबसे पहले तो आप मेरे thankful to all of you कि आप यहाँ पर आए और बच्चों ने बहुत अच्छी positions ली हैं, तो एक बार उन सब बच्चों के लिए और आपके लिए भी एक बार clapping कर दीजिए. ये पूरे साल की मेहनत होती है हमारे स्टाफ के लिए, और जैसे ये कुछ प्राइज हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को जैसे प्राइज मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही रह जाएंगे, तो उसमें हमें क्या होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि प्राइज भले ही आज ना मिले सब स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बाद भी हमने सब स्टूडेंट्स के लिए मेडल्स रखे हुए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने आप को ऐसा फील ना करे कि उसको स्कूल से कुछ भी. अब देखिए, जब हम बात करते हैं ये प्राइस की, तो प्राइस जो मिलता है खाली स्टूडेंट के बेसिस पर नहीं मिलता है, उसमें कॉम्पिटिशन होता है गार्जियंस का. जब तक हम अपने बच्चों के साथ उनके टाइम नहीं देंगे, तो तब तक थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट रह जाता है. अब डिफिकल्ट कैसे रह जाता है, जैसे हम खुद भी क्या करते हैं, हम खुद ये करते हैं कि हम वी आर बिजी टू डू एनी वर्क, हम तो किसी काम में बिजी हैं और बच्चों को कहेंगे आप स्टडी कर लीजिए. तो जितनी देर की आप बच्चों को पढ़ाना है उतनी देर तक आप उनके साथ खुद भी बैठे. जैसे फिर रमजान चल रहा है, तो रमजान में आपके पास भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, आप अपनी कोई भी बुक में पढ़े और उनको अपना स्कूल का वर्क पढ़ने के लिए कहें, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. बाकी परसेंटेज तो बहुत अच्छे रही है, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कूल के साथ कॉपरेट किया है, और हम इन फ्यूचर भी यही उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा स्कूल के साथ कॉपरेट करते रहे. और स्कूल जो है एक बहुत छोटे से कैंपस में है जबकि, लेकिन ये जो हमने स्कूल है कैंपस देखकर नहीं किया है, ये देखा है हमने क्वालिटी को. जैसे आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स आए तो उनके अंदर जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस अच्छे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आप लोगों का भी कोई ओपिनियन लें, आप ही हमें बताएं कि क्या आपने कुछ बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट देखा है, या आप स्कूल के साथ सेटिस्फाइड हैं, आप नहीं हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं आप में से कोई भी जो भी आना चाहे और कुछ स्कूल के बारे में, कुछ बच्चों के बारे में, पेरेंट्स में से कोई भी आना चाहे तो आकर थोड़ा सा हमें भी पूरा पूरा ध्यान रखें, और इसमें कोई कोताही, क्योंकि यही बच्चे एक समाज का एक अंग बनते हैं, EIS IPS इसमें सही अधिकारी बनते हैं, तो बच्चों को ज्यादा ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका हर तरह का ध्यान, स्कूल का डिसिप्लिन जो है उसका ध्यान रखना चाहिए. और स्कूल के से भी मेरा प्रबंधक से भी यही मेरा कहना है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उसके गार्जियंस को ही सपोर्ट करें, जिससे पहले अगर कोई ऐसी शरारत सब देखने में आई है कि कोई भी आ जाता है गार्जियन से, मैं चाचा हूँ तेरे फादर आज नहीं आ सके उनकी तबियत खराब है, और चलो बेटे मैं लेके जा रहा हूँ कॉफी वोफी लिया है और बच्चों को दे दी और अपना ले गए, ऐसी बहुत वारदात आई. तो लिहाजा आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है क्राइम का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा, कोई किसी को किसी पर कोई यकीन नहीं, कोई भी आदमी अगवा कर सकता है, जैसे हम दो को ही आपस में ध्यान रखना. वैसे हमारी एंट्रो में मोबाइल है सारे स्कूल पर, लोग चक्कर काटते रहते हैं, और हमारा ये पर्पस है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं खैरियत से अपना स्कूल से घर जाए, घर से स्कूल आए, इन्हें कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए, और स्कूल के आस पास जो खड़े होते हैं लड़के वाला उन्हें हम चेक करते रहते हैं टाइम टाइम पर, और हम नहीं समझते कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं हम, और हेल्पलाइन नंबर जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जो इशू हुए हैं वो भी हम सब लोगों को देते हैं, और किसी तरह की मैं नहीं समझता है कोई प्रॉब्लम है,
हमारे साथ महिला कांस्टेबल रहती हैं और मैं खुद हूँ, और सारे दिन हमारे स्कूल में ए राउंड देना होता है। ठीक है, कोई किस तरह की समस्या होती है तो आप हमें बताइए। बस मेरे बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। राहिनी अमर और शाह हाईएस्ट जो अटेंडेंस है, हमारी हाईएस्ट अटेंडेंस रहेगी प्ले ग्रुप की रहेगी अर्शी। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए अर्शी। अच्छा, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है तो आप ही आ जाइए। जो अर्शी के साथ में है ये उनकी मम्मी है, और इन्होंने बहुत ज्यादा, इवन बारिश हो कुछ भी हो, ये हर